सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सैनिल वाली कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा हाई नेक डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये जो हम डिजाइन तैयार करेंगे ये लेस लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से सिंपल वी नेक होगा और उसमें लेस लगाएंगे। लेस हम पूरे राउंड शेप में इस तरीके से लगाते हैं, वी नेक आएगा फिर पीछे से राउंड घुमाते हुए कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हमने ये शोल्डर कटिंग किया हुआ है हाई नेक के हिसाब से किया हुआ है, तकरीबन हमारा यहाँ पे 16 इंच शोल्डर कटिंग किया हुआ है और जो आर्म होल कटिंग किया हुआ है वो भी हमने 8 इंच यहाँ पे कटिंग किया हुआ है। इस प्रकार से हाई नेक कुर्ती कटिंग जैसे कर लेते हैं, उसके बाद हम जितनी चौड़ाई लेस होती है, जितनी चौड़ाई वाली हमारे पास लेस होती है हमें देखना होता है। जैसे ये हमारी 2 इंच की है तो 2 इंच के हिसाब से जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 3.5 रखेंगे, मतलब 7 इंच हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डीप लेंथ रखेंगे, वो भी जितना नेक होता है उतना ही आपने यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमारा नेक यहाँ से यहाँ पे है 7.5 इंच, 7.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें नीचे की साइड निशान लगाना है। नीचे की साइड जितना भी हमारा यहाँ पे लेस का नाप होता है, जैसे 2 इंच चौड़ाई है ये, तो इसका हमने डबल कर लेना है, मतलब 4 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे इस प्रकार से। अब हम दूसरी साइड जो मार्क करेंगे, जितनी चौड़ाई हमारी लेस की है, जैसे 2 इंच है तो हम 1 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे ताकि ये ओपन होने के बाद 2 इंच हो जाए। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको मिला लेते हैं और यहाँ पे सीधा इस तरीके से मिलाते हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने यहां पे ये कटिंग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों ओपन करने के बाद हमारी कटिंग की शेप इस प्रकार से आएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हम लेस किस तरीके से अटैच करते हैं और किस तरीके से इसको हाई नेक कुर्ती बहुत ही स्टाइलिश तैयार करते हैं। तो आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगानी है और जो हमारी नोक होती है उस पर हम इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे एक पैर से हल्की ज्यादा, तकरीबन 1/2 इंच की भी हो जाए तो तब भी ठीक है। हमने यहां पे ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इनको हम शोल्डर से ज्वाइंट कर देते हैं फ्रंट बैक को। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए हमने बैक साइड को इस प्रकार से रखना है, सीधी साइड ऊपर की साइड, और यहां पे फ्रंट रखेंगे इस प्रकार से और शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर से ज्वाइंट करने के बाद अब हमें यहाँ पे देखना है जो हम कॉलर लगाएंगे, लेस वाला कॉलर लगाएंगे, उसको किस तरीके से अटैच करते हैं और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे बैक साइड में इस तरीके से शोल्डर मिलाते हुए और सेंटर बनाना है इस प्रकार, और यहाँ पे हम हल्की सी कटिंग कर लेते हैं तकरीबन 1/2 इंच की। ये हमारी बैक साइड की
जो हल्की सी गहराई आने से क्या होता है, जब हम पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लगेगी और कॉलर भी हमारा सही बैठेगा। अब हमें यहाँ पे लेंथ देखनी है, हमें कितने इंच की यहाँ पे पट्टी चाहिए जिस पे हम लेस लगा के यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ से एक साइड से नापेंगे, तकरीबन 1.5 इंच नीचे की साइड छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि पट्टी कम ज़्यादा रह जाए तो हम अभी से ही थोड़ी एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। यहाँ पे 13 इंच यहाँ तक आता है हमारा और आगे टोटल आएगा 17 इंच, तो 34 इंच की हमें टोटल पट्टी तैयार चाहिएगी। जो 34 इंच की पट्टी हम लेंगे लंबाई वाली, हमने ये ली है सेनिल वाला फैब्रिक, इसकी जो चौड़ाई रखनी है हमें 5 इंच रखनी है। ये मैंने पट्टी कटिंग की हुई है जिसकी चौड़ाई 5 इंच की होगी और लंबाई तकरीबन 34 इंच होगी। इसके ऊपर हम पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है 5 इंच की पट्टी के ऊपर। और पेपर पेस्टिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारे जो हम हाई नेक कॉलर बना रहे हैं उसमें फिनिशिंग रहे। अब हम यहाँ पे इसको एक साइड में इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं, जैसे हमने डबल फोल्ड करी है। ये डबल फोल्ड करने के बाद ये इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रह जाती है, तो हम 2.5 इंच की पट्टी पे एक साइड में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तकरीबन 1/2 इंच। को हम सीधी कर लेते हैं, कई बार थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। सीधी पट्टी करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास लेस है उसको अटैच करनी है इस प्रकार से। एक साइड हमारा यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रहेगा और एक साइड हम इस तरीके से अटैच करेंगे। इसके दोनों साइड सिलाई लगाते हैं। एक साइड सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम यहाँ पे दूसरी साइड भी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। प्रकार दोस्तों हमारी लेस यहाँ पे लग के तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे अटैच करना है। अटैच करने के लिए दोस्तों फ्रंट हम इस प्रकार से रखते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड, और जो ये हमारे पास पट्टी है जिसपे हमने लेस लगाई हुई है इसको हम इस तरीके से रखते हैं, और नीचे की साइड यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी को निकालना होता है। और यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया था इस प्रकार कॉर्नर का, तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी इस प्रकार से निशान लगाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको पक्का करके चलना है सिलाई को, कोई भी कपड़ा आपने खींचना नहीं है नीचे की साइड का, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे ये पट्टी अटैच करनी होती है।
यहाँ पे हम इस प्रकार से हल्के हाथों से गोलाई डालेंगे। एक साइड से हमने सिलाई शुरू करी है तो दूसरी साइड हम इसी पॉइंट पे आके सिलाई को खत्म करते हैं। यहाँ पे भी हमें जैसे मैंने नोक के निशान लगाए थे तो इसी प्रकार यहाँ पे ऊपर की साइड निशान लगाते हुए यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये कॉलर तो अटैच कर लिया है। अब ये आएगा किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे इसको इस प्रकार से हम पलटते हैं, एक पट्टी ऊपर की साइड आती है, एक नीचे की साइड। इसमें आप कोई भी पट्टी ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सी यहाँ पे पट्टी ऊपर नीचे करना चाहते हो। अब हमें नीचे से यहाँ पे ये कंप्लीट करनी है इस पॉइंट के ऊपर जाके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाए थे इस साइड ये कोने में तिरछे, तो यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं सेम उसी एंगल से। पहले मैं निशान लगाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए इस प्रकार से। और यहाँ पे ध्यान रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बिल्कुल हमें सिलाई के नजदीक तक कट लगाना है इस प्रकार। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से कट लगाएंगे। कट हमने लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से अंदर की साइड इन पट्टियों को ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ऊपर नीचे आ जाएंगी पट्टी हमारी इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पट्टी इस प्रकार से आएंगी अंदर की साइड। अब इन पे हम यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ते हुए पिन लगा देते हैं ताकि इनकी शेप प्रॉपर रहे। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पिन लगा ली है तो ये अब हिलेंगी नहीं। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से उठाते हैं और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है जो हमने कट लगाए थे। कट लगाने के बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे इस प्रकार से नजर आएगा आपको। यहाँ पे हमने सीधी सिलाई लगा ली है जो अब हम पिन निकाल लेते हैं। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कट करना होता है लेकिन हमें एक बार सीधी साइड से फिनिशिंग देखनी होती है कहीं हमारी फिनिशिंग में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा करेंगे इसको। यहाँ पे देखेंगे कि हमारी अच्छे से फिनिशिंग आई है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट फिनिशिंग है दोस्तों। अब हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पे एक पैक चौड़ाई वाली लगानी है। ये सिलाई हम पूरी पट्टी के ऊपर लगाते हैं, इससे नीचे की साइड का जो मार्जिन होता है वो भी अच्छे से दब जाता है। Thank you.
प्रकार दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग से हमने यहाँ पे हाई नेक कॉलर वाला ये नेक डिजाइन तैयार किया है। सैनील वाली कुर्ती है हमारे पास ये, जिसमें हमने डिजाइन तैयार किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर जरूर करें और इस वीडियो को। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे हाई नेक कॉलर कुर्ती कंप्लीट कर ली है। बहुत ही सुंदर हमारे डिजाइन है, लेस के साथ हमने तैयार किया हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।